देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज, स्वागत है आप सबका। दर्शकों, हमारे चैनल में आज हमारे बीच इस खास रिपोर्ट में हाजिर है लेकर हम अलका लांबा को लेकर खबर। वो अलका लांबा जो कभी आम आदमी पार्टी की प्रशंसक थी, आज आम आदमी पार्टी और सीएम केजरीवाल से लेकर सीएम भगवंत मान को निशाने पर लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है अलका लांबा। अब अलका लांबा के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल बताना चाहेंगे कि अलका लांबा को लेकर जो कोर्ट केस चल रहा था उसे लेकर सुनवाई अब 4 जुलाई की तारीख को होने वाली है। जी हाँ, अपडेट आ चुकी है अलका लांबा केस में। अब सुनवाई जो है, अगली सुनवाई जो है 4 जुलाई को होगी। ये केस आप जानते हैं पंजाब हरियाणा कोर्ट से जुड़ा हुआ है। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अगली सुनवाई 4 जुलाई को होगी। दरअसल ये केस जो थी, खास तौर पर आपको बता दें, इस केस के बारे में आम आदमी पार्टी के नेताओं को लेकर सबसे ज्यादा विवादित बोल के लिए अलका लांबा को फंसाया गया। अलका लांबा का कहना था कि आम आदमी पार्टी सीएम केजरीवाल और आपकी सरकार भगवंत मान की सरकार जो है, उनके खिलाफ बोलने वालों का जुबान बंद कराने के लिए किसी भी हद तक जाती है। वो नहीं डरती है आप सरकार से, वो नहीं डरती है भगवंत मान से, नहीं डरती है सीएम केजरीवाल से। उन्हें अगर जेल में बंद करना चाहती है पंजाब सरकार तो उसके लिए भी वो तैयार है। ऐसा ही केस कुमार विश्वास पर भी लगा था और ऐसे ही केस का शिकंजा वो भी सह रहे थे और अलका लांबा पर भी फैसले आए। थोड़ा सा आपको बताना चाहें, केस जो है सो आपको बता दें कि रूपनगर के थाना सदर में दर्ज किया गया था। दरअसल अलका लांबा रूपनगर आकर पुलिस के सामने हाजिरी भी लगा चुकी है, सब जानते हैं। अब इस पर फैसला जो है, आपको बता दें कि आपके कन्वीर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उनके विरुद्ध की टिप्पणियों संबंधित दर्ज किए गए थे केस अलका लांबा पर, जिस पर सुनवाई अब अगली 4 जुलाई को होगी। यानी कि देखा जाए तो मई और जून जुलाई 3 महीने का समय उन्हें पूरा मिल गया है और कहीं ना कहीं इसे सीएम केजरीवाल को बड़ा झटका अलका लांबा ने दिया। अलका लांबा ने कहीं ना कहीं केजरीवाल का घमंड एक बार फिर से तोड़ा है। वो केजरीवाल जो कि सोशल मीडिया पर आज ट्रेंड पर थे, केजरीवाल जिन्होंने बीजेपी के नेता को, वरिष्ठ नेता को गिरफ्तार करवाया, आपके पंजाब पुलिस ने दिल्ली में आकर गिरफ्तार किया बीजेपी के नेता को, जिसके बाद जसवंत नगर पुलिस स्टेशन में, जनकपुरी पुलिस स्टेशन में बीजेपी के तमाम समर्थक है जो कि आंदोलन करते नजर आए, प्रोटेस्ट करते नजर आए। सीएम केजरीवाल जो है बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहा गया। अलका लांबा ने भी यही कहा था कि पावर का गलत इस्तेमाल करने में बहुत माहिर है आम आदमी पार्टी की। अगर नेताओं की बात की जाए तो दिल्ली से लेकर अब पंजाब में भी यही हाल है। पंजाब पुलिस जो है पूरी तरह से देखा जाए तो रोबोट बन चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता सीएम केजरीवाल के इशारों पर, उनकी उंगलियों पर नाचने वाली सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो कठपुतली बनकर रह गई है। अलका लांबा के केस में जो फैसले आए हैं, सुनवाई 4 जुलाई को होगी, इससे केजरीवाल को और भी बड़ा झटका तो जरूर लगा होगा। गौरव कभी अलका लांबा यही सीएम केजरीवाल के साथ थी, लेकिन उनकी रणनीतियों के खिलाफ जाकर उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया और उसके बाद जो है आए दिन वो मुसीबत में पड़ी ही रहती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे तमाम बड़ी खबरें देश दुनिया की हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।